Hello students, good morning. Today we are reading class 4th subject science. तो आप सभी लोग अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिए. आज हम क्या करेंगे, रिविजन चल रहा है अभी हमारा. क्या कर रहे हैं हम, इसमें रिविजन कर रहे हैं. तो आप सभी लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए और लेसन नंबर 2 निकालिए, पेज नंबर 21. हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिविजन कम्प्लीट हो गया था. उसके मैंने आपको दो वीडियो सेंड कर दिए थे. आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड, पेज नंबर 21, और लेसन नेम है हमारा डाइजेशन एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, तो जो हमारे डाइजेशन और उसका जो माइक्रोब्स के रोल है उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे. तो ये हमारा क्या चल रहा है, डिविजन वर्क. तो आप इसको ध्यान से करिएगा, उसका वर्क भी करिए. तो आप इस लेसन में हम क्या क्या रीड करेंगे, पहले तो उसके बारे में देख लीजिए. टीथ, टीथ के बारे में रीड करेंगे. टीथ दांत, टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के टाइप्स, प्रकार, टीथ कितने प्रकार के होते हैं. केयर ऑफ टीथ, हमें टीथ की केयर कैसी करनी चाहिए. द डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कैसा है, और उसके माइक्रोब्स, इसके बारे में जो टॉपिक है इसमें रीड करेंगे. तो आज अभी मैं इस वीडियो में पहले तीन टॉपिक ही रीड करेंगे, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ और केयर ऑफ टीथ. और जब इसका आपको सेकेंड वीडियो भेजूंगी, सेंड करूंगी, उसके अंदर द डाइजेस्ट सिस्टम और माइक्रोब्स के बारे में और विद क्वेश्चन आंसर वो हम रीड करेंगे. तो पहले हम तीन टॉपिक के बारे में रीड करते हैं, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ. तो लेसन द स्टार्ट. यस, लुक एट द डिफरेंट टीथ इन फिगर. आप इधर देखिए, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के टीथ देखते हैं. ओके, ए के अंदर इन फिगर, बी कलर ऑफ दोज दैट लुक द लाइक द टूथ, वन इन येलो, टू टू इन ऑरेंज एंड टू थ्री इन ए पिंक. तो देखिए थ्री टाइप दिख रहे हैं ना, बल्कि फर्स्ट के अंदर ए में तो देखिए आप कलर्स के अंदर है, और फिगर बी के अंदर देखिए कलर ऑफ दोज दैट लुक इट द लाइक. ठीक है, अब फर्स्ट के अंदर कहेंगे वन इन येलो, तो फर्स्ट हमारा दिख रहा है इसमें येलो का है. सेकेंड के अंदर टू तो इन ऑरेंज, ये इसको ऑरेंज बोलते हैं, और जो थर्ड वाला है इसको बोलते हैं पिंक. तो टीथ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. जो हमारे टीथ है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एंड वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, और हमें इनसे जो केयर है वह प्रॉपर करनी चाहिए. अब आप सभी को लोगों को पता तो है कि हमारे टीथ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, और टीथ के बिना हम ना तो कुछ खा सकते हैं, ना किसी चीज को चबा सकते हैं. तो हमारे मुंह के लिए और हमें सुंदर दिखने के लिए भी टीथ की बहुत ही नेसेसरी, टीथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का. तो हम टीथ के बारे में रीड करते हैं. नेक्स्ट, यस, फर्स्ट टॉपिक टीथ. टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ एंड दे हेल्प इन ब्रीथिंग एंड च्यूइंग द फूड. तो टीथ है प्रजनन हमारे मुंह के अंदर होते, क्या होते हैं ये, हमारे हमारे मुंह के अंदर इनसाइड होते हैं. दे हेल्प इन बीटिंग एंड च्यूइंग द फूड, और ये हमारे खाने को किससे हेल्प करते हैं, बीटिंग चबाने में और उसको काटने में टीथ हमारी हेल्प करते हैं. सेट ऑफ टीथ, और जो हमारे मुंह के अंदर टीथ है वो किस हिसाब से है, वो क्या सेट है, तो पहले उसके बारे में पढ़ते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव टू सेट ऑफ टीथ. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मनुष्य है बड़ा, उसके अंदर हमारे जो टीथ के सेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टू के. फर्स्ट होता है टेम्पररी एंड सेकंड होता है परमानेंट सेट. अब टेम्पररी सेट और परमानेंट सेट दो टाइप के सेट होता है. अब आपको पता है टेम्पररी सेट और परमानेंट, आपको पता होगा ना कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जो 6 साल तक के हमारे क्या होते हैं, जो दूध के दांत बोलते हैं हम लोग घर पे, ठीक है, वो रहते हैं. और उसके बाद में वो जिनको तो क्या बोलते हैं, टेम्परेली. और जब वो दूध के दांत गिरने लग जाते हैं, जब वो 6 साल से अबव हो जाते हैं, उसके बाद में वहां जब दूध के दांत मिलकर टीथ गिरने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या आते हैं, परमानेंटली टीथ आते हैं, जिसके क्या बोलते हैं, परमानेंटली टीथ बोलते हैं. तो आप पहले इसके बारे में रीड करते हैं. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 2.5 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चा 2 या 2.5 साल का होता है, तब फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स. तो उसके फर्स्ट सेट में कितने टीथ होते आ जाते हैं, 20. तो ये आप ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लो. जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, 20, यानी कि 20 दांत होते हैं.
दिस सेट ऑफ टीथ इज द चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ। और जो ये जो दांत होते हैं ये सेट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ, उनको मिल्क टीथ भी कहते हैं या दूध के दांत भी हम कहते हैं। वेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 ईयर ओल्ड, अब जब चाइल्ड 6 साल से अबाउ जाते हैं, 6 साल का होना शुरू होता है, तो मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन। तो जो हमारे ये दूध के दांत होते हैं जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, वह एक से वन बाय वन यानी एक एक करके वह दांत गिरना या टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। स्लोली न्यू ओपन, और धीरे धीरे क्या होता है उसकी जगह हमारे नए दांत उगने स्टार्ट हो जाते हैं। जो दांत गिरता है वन उसी की जगह दूसरा दांत आना शुरू हो जाता है। विच आर बिगर इन साइज, अब ये जो दांत होते हैं जो मिल्क दांत होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जो टूट के दूसरे दांत हमारे आते हैं 6 साल के बाद में, तो ये दांत क्या होते हैं थोड़े साइज में बिगर होते हैं, बड़े होते हैं। टेक देयर प्लेस, जो कि अपना स्थान वह खुद ही ले लेते हैं। दिस सेट ऑफ न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, और जो भी ये सेट जो दांतों के साथ हैं इन्हें क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। दे आर यूजुअली 32 टीथ इन परमानेंट सेट, तो हमारे सेट के अंदर हमेशा कितने दांत होते हैं? कोई 32 है ना, कितने 32 टीथ, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो परमानेंट जो सेट होता है हमारे कोई कितना होगा? 32। और जो टेम्परेरी होता है जब बच्चे होते हैं तो कितने होते हैं हमारे? 20। अब टाइप्स ऑफ टीथ देखिए, आप जो टीथ के टाइप्स है वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड, जो टीथ है हमारे मनुष्य के अंदर बाइट और च्यूइंग चबाने के लिए और काटने के लिए किसकी आवश्यकता है? खाने को हम अगर मुंह के अंदर लेंगे चबाएंगे और काटने के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है हमें? टीथ की। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन टीथ आर 4 टाइप्स, अब ये जो फंक्शन करते हैं जो दांत को चबाने के लिए उसको काटने के लिए उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग के द्वारा जो हमारे टीथ है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स को अंडरलाइन कीजिए। इंसर्ट्स देयर आर 8 इंसर्ट्स इन ऑल 4 इन ईच जो, ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, 8 होते हैं जो कि हमारे 4 इन ईच जो एक जबड़े के अंदर 4 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन एक जबड़े में प्रत्येक जबड़े में 8 होते हैं, यानी कि 2 जबड़े होते हैं ना हमारे, इसमें कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बेल्टिंग फूड, और ये किस काम में आते हैं हमारे? कटिंग, जो हम खाना खाते हैं उसको काटने में और बेल्टिंग करने में चबाने में काम आते हैं। अब है कैंडीज, देर आर 4 कैंडीज इन ऑल 2 इन ईच जो, और देर आर 4 कैंडीज इन ऑल 2 इन ईच जो, तो दोनों जबड़े में हमारे कितने कैंडीज होते हैं? 4 होते हैं, और प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। We have one carriage on both side of the incest, और जो ये हमारे carriage होते हैं ये हमारे both side, दोनों both side जो incest है उसके दोनों sides पे ये होते हैं। Carriages are sharp and used for trimming food, और जो carriages होते हैं बड़े तेज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो trimming food है जो हमारे food को trimming यानी काटने में काम आता है। In flesh eating एनिमल्स कैनिज आर बिगर एंड शार्पर सो दैट फ्लैश इज इजरी, जो ये फ्लैश ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं जो मांस खाते हैं तो उनके जो कैनिज उनके में टीथ जो होते हैं उनमें जो कैनिज होते हैं वो बड़े और तेज होते हैं जिससे वो फ्लैश जो आसानी से काट लेते हैं इसको चबा लेते हैं, ठीक है। फिर आता है 4th वाला, हाँ प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, हमारे अंदर जो टीथ है उनके अंदर कुल कितने प्रीमोलर्स होते हैं? 8 होते हैं, और 4 इन ईच जो, और प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं और कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। दे आर दीज आर ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनिज, ये जो टीथ होते हैं ये थोड़े ब्रॉड होते हैं चौड़े होते हैं और नेक्स्ट से कैनिस के कैनिस के नेक्स्ट में ही लगे रहते हैं। प्रीमोलर्स हेल्प टू क्रश फूड एंड च्यू फूड, और जो प्रीमोलर्स होते हैं क्या करते हैं हमारे फूड को क्रश करते हैं, ठीक है, उसको चबाते हैं एंड च्यू फूड और उसको चबाने में काम आते हैं, कौन से टीथ? प्रीमोलर्स। अब आते हैं मोलर्स, देर आर 12 मोलर्स इन ऑल, हमारे जबड़े में कुल 32 में से 12 मोटे दांत कौन से होते हैं? मोलर्स होते हैं। दे आर बिगर एंड फ्लैटर देन, ये कैसे होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े फ्लैटर होते हैं। द प्रीमोलर्स, ये थोड़े प्रीमोलर्स से थोड़े फ्लैट होते हैं और बड़े होते हैं। विथ ए बॉर्डर अपर सरफेस टू चू एंड ग्रिंड द फूड
वेल। और इससे क्या होता है, ये चौड़े थोड़े चौड़े कारण ये जो हमारे ऊपर के जो करती है सफेद, ठीक है, उसको थोड़े चबाने में और जो हमारा खाना हम जो खाते हैं फूड खाते हैं उसको अच्छी तरह से चबाते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं। आउट ऑफ द 12 मोलर्स एट ग्रो फर्स्ट एंड टू ऑन ईच साइड ऑफ द प्री मोलर्स। आउट ऑफ द 12 मोलर्स क्या होता है, 12 मोलर्स के बाहर जो एट तो ग्रो फर्स्ट, एट तो पहले आ जाते हैं, ठीक है, और टू ऑन ईच साइड ऑफ द प्री मोलर्स, और दो होते हैं जो प्री मोलर्स के साइड में होते हैं। फोर मोर मोलर्स ग्रो लेटर, ठीक है, ये तो आठ और दो दस हो गए, और जो फोर होते हैं वह क्या होते हैं, मोलर ग्रो लेटर, वह वो जो फोर मोलर्स होते हैं वह थोड़े बाद में उगते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड प्री मोलर्स एंड मोलर्स। वो जो प्लांट है वह ईटिंग एनिमल, जो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे खाते हैं वे एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड प्री मोलर्स एंड मोलर्स, उनके पहले ये डेवलप्ड हो जाते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स, बिकॉज दे नीड टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड अलोन, क्योंकि उनको ज्यादा चबाने की और च्यू करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके जो दांत है जो पहले ही जो प्रीमोलर्स और मोलर्स है ये पहले ही डेवलप हो जाते हैं और हमारे थोड़े लेट होते हैं। अब आप पहले इसकी बनावट देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ देखिए, डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से देखिए आप, ये हमारा टाइप्स ऑफ टीथ का डायग्राम है, ये भी आपको बनाना है, ठीक है। और फिर देखिए कि जो फर्स्ट नंबर इंसेंस क्या है, कहते होते नंबर ऑफ टीथ एट, कितने टीथ होते हैं कुल एट, और फोर एंड एट जो वो पढ़ते हैं जबड़े में कितने होते हैं, फोर होते हैं, ये देखिए वह एट। और फिर फंक्शन इनका क्या कार्य है, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, इनका कार्य जो हमारे फूड को कटिंग करते हैं और बाइटिंग करते हैं। और फिर आता है कैनीज, कैनीज नंबर ऑफ टीथ, इसका शेप कैसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो टीथ का शेप ये कितने के होते हैं, फोर होते हैं, कैनीज कितने होते हैं, फोर, और प्रत्येक जबड़े में टू होते हैं, उनका कार्य क्या है, दे आर यूज फॉर ए ट्रेनिंग फूड, और ये क्या करते हैं, फूड को ट्रेनिंग का कार्य करते हैं। फिर आता है प्रीमोलर्स, अब प्रीमोलर्स देखिए ये होते हैं प्रीमोलर्स हमारे जबड़े के अंदर, ये जो क्या इनको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स। नंबर ऑफ टीथ एट, ए हमारे दांतों कितने होते हैं, एट, और फोर एंड एट जो, और प्रत्येक जबड़े में चार होते हैं, कितने होते हैं, चार, और इनका क्या फंक्शन है, दे आर यूज फॉर क्रशिंग फूड, और ये क्या करते हैं, हमारे जो फूड है उसको क्रश करते हैं, इनका शेप होता है इस टाइप में। और आता है मोलर्स, नंबर ऑफ टीथ 12, ये कुल 12 होते हैं, 6 इन ईच जो, और प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, दे आर यूज फॉर ग्रीडिंग फूड, और हमारा जो फूड है उसको ग्रीडिंग करने में ये हमारे यूज में आते हैं। ओके, अब आता है पार्ट्स ऑफ टूथ, कि हमारे टूथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब दांत के पार्ट, ये तो हमारे टीथ के पार्ट बताइए कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो हमारे टीथ है दांत है उसके भी पार्ट हम आपको बताएंगे, तो देखिए आप, ए टूथ हैज ए क्राउन एंड ए रूट, तो दांत होती है जो उसका होता है क्राउन का शेप होता है और जो उसकी एक जड़ होती है, ये होता है क्राउन, ठीक है, ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये होता है हमारा क्राउन। ओके, और जो ये यहां से लेके यहां तक के हिस्से को बोलते हैं रूट, नीचे ये ऊपर बाहर हिस्सा होता है, ये रूट होता है अंदर का हिस्सा हमारे, ठीक है। तो द क्राउन इज द पार्ट वी सी, जो क्राउन है जो दांत को जो पार्ट क्राउन वाला जो हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा उसे हम देख सकते हैं, वी एर एज द रूट इज द पार्ट इन साइड द गम्स, और जो रूट का पार्ट होता है वो हमारे गम्स हमारे जड़ों के अंदर छिपा हुआ रहता है, अंदर रहता है। गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेसेस, द व्हाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ टूथ इज ए कॉल्ड इज ए एनामेल, जो हमारे टीथ का व्हाइट पार्ट होता है व्हाइट कलर का पार्ट इसे क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। ओके, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये जो पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी हमारी जो शरीर की बॉडी है इसके अंदर सबसे हार्ड पार्ट होता है, सबसे कठोर, ठीक है। बिलो इन द एनामेल लाइज द हार्ड डेंटी, और जो एनामेल लाइज है ये किसके अंदर होता है, कहते हैं डेंटी, जिसे बोलते हैं डेंट्री, ये देखिए आप ये वाला, ये है हमारा डेंट्री। ओके, समझ में आ गया आपको, हाँ, और इसमें इनेबल में इनसाइड द डेंट्री लाइज द पल्प, वो जो ये डेंट्री है वह किसके अंदर होता है, किसमें होता है, प्लम्प पे, ये देखिए ये है पल्प। ओके, ये किसके अंदर है, पल्प में।
और इट इज ए वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्वस, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये जो पल्प का एरिया होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और क्यों होता है सॉफ्ट, फुल ऑफ नर्वस एंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी नर्वस होती है, खूब सारी नसें होती है, ब्लड वेसल्स होती है, और खून की हमारी पतली पतली शाखाएं होती है, हमारी नसें होती है। द पल्प फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ, और जो ये पल्प है ये हमारे जो टीथ का बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर में ये पार्ट होता है। देखो आप ये डायग्राम से देखो, आप इसको समझो, ये जो ऊपर वाला जो बाहर हिस्सा होता है इसको क्राउन बोलते हैं, और ये बिल्कुल व्हाइट शेड में होता है, ठीक है, और ये जो बिल्कुल हार्ड भी होता है, क्या होता है, हार्ड भी होता है, और इसको क्या बोलते हैं, जो व्हाइट के अंदर होता है इसको एनेबल बोलते हैं, और जो डेंट भी होता है इसके एनेबल के पीछे होता है, और ये किसमें होता है, प्लम पे, ठीक है। जो प्लम कैसे होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, और क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर खूब सारी वैसे रहती है हमारी में ब्लड की, और ये जो आती है जो पतली पतली जैसे जा रही है इसको नर्व बोलते हैं, जो पतली ये बिल्कुल जा रही है इसको ब्लड वेसल, यानी खून की जो होती है जिसके अंदर खून हमारा जाता है इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो आपको समझ आएगा पार्ट्स ऑफ टूथ। अब नेक्स्ट देखें केयर ऑफ टीथ, हमें टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए, प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टीथ की प्रॉपर केयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं, टीनी पाइट्स ऑफ फूड गेट्स स्टक इन स्पेस बिटवीन आवर टीथ, जो हम बाइट करते हैं जब खाना खाते हैं, तो हमारे फूड के कुछ जो स्टक्स होते हैं, जो हमारे दांतों के बीच में स्पेस रहता है, दांतों के बीच में जो स्पेस रहता है उन दोनों के बीच में ये जो खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे से कण उसमें हमारे फंस जाते हैं। वी नीड टू क्लीन देम आउट, तो हमें उनको साफ करना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए, अदरवाइज जर्म्स कैन ग्रो देयर एंड फ्रॉम ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लम। तो अदरवाइज क्या होता है, अगर वह जर्म्स के रूप में उठ जाते हैं, ठीक है, और जो कैन ग्रो देयर और जर्म्स कर जाते हैं एंड फ्रॉम ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लम, और जो हमारे उसमें कैसे वो जो टीथ की लेयर कैसे बनने लगती है धीरे धीरे येलो कलर की, जिसे क्या बोलते हैं, प्लम कहते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग विथ ए टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर कैन प्रिवेंट प्लाक फॉर्मेशन, और प्रॉपर ब्रश करेंगे हम विथ ए टूथब्रश के से टूथपेस्ट के साथ, और वाटर कैन प्रिवेंट प्लाक, और साफ पानी से करेंगे तो हमारे जो दांत है जो उसको प्लाक को हटाने में जो येलो चाहे उसको साफ करने में हेल्प करेंगे। अब बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, हमारे जो टीथ को कैसे किस हिसाब से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप ब्रश योर टीथ ए लिस्ट ट्वाइस ए डे, एक दिन में दो बार ब्रश करके, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस द बिफोर गोइंग टू बेड, एक तो सुबह और जब हम मॉर्निंग में करते हैं, और जब रात को कब करना चाहिए, जब बेड पे जाते हैं उससे पहले हमें ब्रश करके सोना चाहिए। यूज अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ, और मोशन को ऊपर से नीचे की तरफ से हमें यूज में लेना चाहिए, जब ब्रश करते हैं तो टीथ को है ना ऊपर से नीचे की तरफ से करना चाहिए। ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स एंड द बॉटम टीथ, ब्रश को कैसे घुमाना चाहिए, पहले तो टॉप पे लाना चाहिए और फिर बाद में जो नीचे वाले टीथ होते हैं उसके तरफ तरफ करनी चाहिए। ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ, और जो बाहर के जो टीथ होते हैं उसको भी उसके बाद भी टीथ के ब्रश करना चाहिए। ब्रश द फ्लैट सर्फेस ऑफ द प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, और ब्रश को जो हमारे प्रीमोलर्स और जो मोलर्स का फ्लैट एरिया है वहां पे भी ब्रश क्लिक करनी चाहिए। यूज ए टंग क्लियर एंड क्लीन द टंग, और हमें क्या करना चाहिए, टंग क्लियर टंग को साफ करने के लिए टंग क्लियर को यूज में लेना चाहिए, जिससे हमारी टंग भी हम साफ कर सकते हैं। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स, और खाना खाने के बाद में हमें कुल्ला करना चाहिए। ईट फूड दैट इज हेल्दी फॉर टीथ एंड गम्स, मिल्क एग्स कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल, और हमारे दांतों को हमें खाने में कैसे खाना खाना चाहिए जिससे हमारे दांत भी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रखने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे दूध अंडे दही और ग्रीन सब्जियां खानी चाहिए। अवॉइड एटिंग टू मैनी स्वीट्स ग्रीन स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए खाने में, हमें अधिक मिठाई अधिक मीठा अच्छे वो मीठे स्नैक्स और जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक होती है वह नहीं ये पीनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स, और हमें डेंटिस्ट के पास जो हमारे दांतों के डॉक्टर है उसके पास रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, और जो हमारे दांतों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमारे दांत मजबूत बनते हैं। अगर जैसा हम कैल्शियम खाएंगे तो हमारे टीथ क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड और जो चीज होता है उसके अंदर अधिक मात्रा में कैल्शियम
होता है तो ये चीजें हमें अधिक खानी चाहिए. इटिंग फ्रूट एंड सलाद हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ हेल्दी. और हमें क्या खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दांत होते हैं वह हेल्दी रहते हैं. समझ गया, इसे हमें खाना चाहिए. अब इसका जो लेट्स रिमेम्बर है वह उसे आपको करना है. लेबल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द वर्क बॉक्स अगेंस्ट इट. ये जो हमने बताया है इनको चारों को हमें यहाँ पे लेबल करना है कि ये कौन से टीथ है, फिर ये जो टीथ है वो क्या कार्य करता है, ये इसमें हमें हेल्प बॉक्स से यहाँ पे लेके लिखना है. तो ये आप अपनी इसी बुक में कर लेना. तो ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो में आपको टीथ का भेजा, इसको एक बार अच्छी तरह से रीड करना है, इसको समझना, ठीक है. ओके.